क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है वो है √3। ठीक, अब देखो इसमें ये इंसिडेंट रे है इस वाली सरफेस पे। ठीक, अब ये इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर गिर रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितनी होगी? 0। ठीक ना, ये लाइट स्ट्रेट पाथ में सीधी आ जाएगी, ये बेंड करेगी नहीं क्योंकि परपेंडिकुलर गिर रही है, तो ये सीधी आ गई इधर। ठीक, अब सीधी सी बात है, अब मीडियम बदलने वाली है, डेंसर मीडियम से अब ये रेयर जाएगी, मतलब कह दो ग्लास टू एयर जाने वाली है। तो जैसे ही मीडियम बदलने वाली होती है तो उस सरफेस पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है, ये बताना। ये हो गई 90। अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये मेरी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी क्योंकि नॉर्मल ये ना ये इंसिडेंट रे मानी जाएगी इस वाली फेस के लिए। अब देखो ये 60 तो ये कितनी 30, और ये तो 90 है, और ये 90 ये 30 तो ये कितनी 60, और ये 60 तो ये 30। अब इस वाली फेस के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी, ठीक ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी। अब देखो यहां एक और चीज हमें देखना है कि अब भी जो लाइट जो है वो √3 मतलब ग्लास डेंसर मीडियम से एयर में जा रही है, ठीक ना। तो जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर जाती है तो हम क्रिटिकल एंगल को चेक करेंगे कि कहीं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा होगी तो TIR कर जाएगी, ठीक ना। तो चेक कर लेते क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी इक्वल टू 1/μ, म्यू यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, तो साइन सी इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 का जो एंगल आएगा वो नियर अबाउट आता है 35 डिग्री, नियर अबाउट 35 डिग्री। ठीक, अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से तो कम है, इसका मतलब TIR नहीं होगी। ठीक, TIR नहीं होगी, तो अब स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दो एंगल ऑफ इमरजेंस के लिए, ठीक ना। एंगल ऑफ इमरजेंस में कुछ एंगल ई मान लेता हूं, ठीक ना, आई तो ये रही। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है, N1 इंटू साइन आई इक्वल टू N2 इंटू साइन आर, अपनी अपनी तरफ के एंगल साइन के साथ और अपनी तरफ के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एक ही तरफ के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो ये हो गई √3 इंटू साइन 30। ये क्या हो जाएगा, √3 अपनी तरफ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपनी तरफ का एंगल साइन के साथ, तो साइन 30 इक्वल टू इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 और एंगल ई, तो 1 इंटू साइन ई, तो साइन 30 हो जाएगी 1/2, तो ये हो गई √3/2 इक्वल टू साइन ई। ठीक, तो √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन 60 की, साइन 60 इक्वल टू साइन ई, तो ई इक्वल टू कितनी, इक्वल टू 60 डिग्री, क्लियर, इक्वल टू 60 डिग्री।